टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सुपर 8 के तीसरे मैच में भारत ने सूर्य कुमार यादव के अर्धशतक और जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की मदद से अफगानिस्तान को 47 रन से हरा दिया। बारबाडोस के किंगस्टन ओवल के मैदान में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। भारत और अफगानिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली बार आमने सामने आई थी। रोहित विराट के फ्लॉप होने के बावजूद सूर्य कुमार यादव की 50 के बूते भारत ने 182 रन का टारगेट सेट किया था, जिसके जवाब में अफगान बुरी तरीके से लड़खड़ाते हुए नजर आई और सिर्फ 134 रन ही बना सकी। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। रोहित शर्मा और विराट कोहली की सलामी जोड़ी अब तक टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कमाल नहीं कर पाई और अफगानिस्तान के खिलाफ भी केवल 11 रन ही जोड़कर पहले विकेट खो दिया। रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के फिराक में 8 रन बनाकर आउट हुए। फजल अक फारूकी ने उन्हें राशिद खान के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद ऋषभ पंत ने अपने ही अंदाज में पलटवार करना शुरू किया, लेकिन राशिद खान ने उन्हें 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी गुगली में फंसाकर LBW आउट कर दिया। ऋषभ ने 11 गेंदों पे 4 चौके लगाकर 20 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली एक छोर पर टिके थे, लेकिन वो अभी भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इससे पहले 3 पारियों में केवल 5 रन बनाने वाले कोहली ने अपना समय जरूर लिया, लेकिन फिर भी अपना विकेट गंवाकर चलते बने। विराट ने 24 गेंदों में केवल 24 रन ही बनाए। इस दौरान केवल 1 छक्का देखने को मिला। फिर मिडल ऑर्डर का टेस्ट हुआ तो शिवम दुबे फिर फेल हुए। 7 गेंदों में उन्होंने 10 रन बनाए। राशिद खान ने उन्हें पिछले पैर पर धकेल कर LBW आउट कर दिया। लगातार विकेटों के पतन के बीच सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभाला। दोनों के बीच 60 रनों की बड़ी महत्वपूर्ण साझेदारी भी देखने को मिली। इस साझेदारी में सूर्य ज्यादा आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। वर्ल्ड के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज ने 28 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से 53 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उनका साथ देते हुए हार्दिक ने भी 24 गेंदों में 32 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। अक्षर पटेल ने भी अंत में 12 रन बनाए, जिसके चलते भारत ने 181 रन बोर्ड पे लगाए। इसी बीच राशिद खान ने अपनी जादूगरी फिर से दिखाई। उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर में केवल 26 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं तेज गेंदबाज फजल अक फारूकी ने भी 3 विकेट अपने नाम किए। इसके बाद 182 रन के रन चेज में अफगानिस्तान पहले ओवर के अलावा किसी भी मोड़ पर टीम इंडिया से आगे नजर नहीं आया। रहमानुल्लाह गुरबाज ने अर्शदीप सिंह के पहले ओवर की पहली 6 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौके की मदद से 13 रन जरूर बनाए थे, लेकिन फिर जसप्रीत बुमराह ने दूसरे ओवर में ही आकर पहली गेंद पर उन्हें गति में परिवर्तन यानी कि स्लोवर बॉल डालकर उन्हें विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करा दिया। गुरबाज के आउट हो जाने के बाद विकेटों की झड़ी सी लग गई। इब्राहिम जादरान को 6 रन के स्कोर पर विराट कोहली के हाथों जीवनदान मिला था, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा पाए। अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने उन्हें आउट कर दिया। फिर हजरतुल्ला जजई 2 रन, गुलबदीन नाइफ 17 रन, अजमतुल्ला उमर जई 26 रन शुरुआत पाने के बावजूद आउट हुए। 71 रन के स्कोर पर आधी अफगानिस्तान टीम पवेलियन में बैठी हुई थी। 15 ओवर के बाद अफगान टीम सिर्फ 101 रन ही बना पाई, यानी कि आखिरी 5 ओवर में 81 रनों की जरूरत थी। यहां से नतीजा सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया था। वहीं अगले 40 रन के भीतर अफगानिस्तान ने अपने 4 विकेट और गंवा दिए। भारत की गेंदबाजी के सबसे बड़े हीरो एक बार फिर जसप्रीत बुमराह साबित हुए। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 1 ओवर मेडन भी डाला और साथ में 3 विकेटें हासिल की। उनका साथ देते हुए अर्शदीप सिंह ने भी 3 विकेट चटकाए। 18वें ओवर में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैट्रिक पर भी थे, लेकिन हैट्रिक पूरी नहीं हो पाई। इसके अलावा कुलदीप यादव ने 2 और रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल को भी 1-1 विकेट मिला और इस तरह अफगान टीम 20 ओवर में केवल 134 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह भारतीय टीम ने 47 रन से इस मुकाबले को जीता और सुपर 8 की जीत के साथ शुरुआत की है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।